नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। भारत की सेना दिखाएगी करतब, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया देखेगी भारत की शक्ति। दरअसल हो क्या रहा है, राजस्थान के पोखरण के पास में, जी हां राजस्थान के पोखरण के पास में मार्च 12, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मार्च है, 12 मार्च से भारत की तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगी, जिसे नाम दिया गया है भारत शक्ति। जी हाँ, ये पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल मिलता हुआ है और यहीं पर हमारी तीनों सेनाएं अपनी करतब दिखाएंगी, अपनी ताकत दिखाएंगी, जिसे देखकर पाकिस्तान कांप उठेगा। क्योंकि पाकिस्तान भी फिलहाल सीमा के पास में एक एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि हम क्या हैं। तो यहीं पर भारत की ताकत देखेगा, अब तीनों सेनाएं दिखाएंगी, वहीं पर राफेल भी गरजेगा, वहीं पर तेजस भी बरसेगा और वहीं पर हमारी जो तोपें हैं वो भी चलेंगी, साथ ही साथ अर्जुन भी देखेगा। सब चीज़ें वहाँ पर ए टू जेड, वहाँ पर एक से बढ़कर एक हथियार जो कि भारत के बने हुए हैं वो भी दिखेंगे और जो भारत के पास ताकत है वो भी दिखेगी। ये इतना ज़रूरी भी है और सीमा के पास होने का मतलब आप समझते हैं कि जो दिखा रहा है उसे दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं है, ये पहले से तय था कि यहाँ पर होगा, डेट वगैरह सब पहले से फिक्स थी और पीएम मोदी भी इस एक्सरसाइज को देखने के लिए पहुंचेंगे। तो खैर, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज इस बार होने वाली है और इस बार इसमें कुछ घमासान बहुत जबरदस्त दिखेगा और लाइव आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बहुत जबरदस्त चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमारे पास MiG-29, जिसके इंजन हम मैक्सिमम रसिया से मंगाते थे, भारत की सेना में एयरफोर्स में बहुत बड़ी मात्रा में MiG-29 हैं, तो इनके इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है रसिया से और अब भारतीय HAL और कई सारी कंपनी इन इंजन को भारत में बनाएंगी। साथ ही साथ रसिया की तरफ से ये भी अप्रूवल है उस कंपनी की तरफ से कि भारत जितने मर्जी चाहे इंजन बना सकता है और जितने मर्जी चाहे इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये दोनों ही खबरें, मतलब भारत में इंजन बनना और इंजन बनने के बाद एक्सपोर्ट होना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भारत के लिए, क्योंकि भारत अभी तक कोई भी बिल्कुल सक्सेसफुल इंजन नहीं बना सका है अगर सही बात देखें तो, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तीसरी खबर की ओर अगर हम बढ़ें तो भारत की दो स्टार्टअप्स ने, जी हां भारत के दो स्टार्टअप्स ने बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है। अभी तक इस फील्ड में हम काफ़ी पीछे थे, कल्याणी ग्रुप और दूसरा है अर्थमैन एरोस्पेस। इन दो कंपनियों ने अपने UAV अभी हाल ही में प्रदर्शित किए हैं। ये UAV बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, हमला कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज हो सकते हैं, सर्विलांस के लिए यूज हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें टोटली इंडियन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। 95% तक टेक्नोलॉजी इंडियन है, इक्विपमेंट जो है वो इंडियन है। सबसे बड़ी बात ये कि भारत अभी तक बहुत पीछे था, चाइना काफ़ी आगे है, हमारे जो दोस्त है इसराइल वो काफ़ी आगे है, साथ ही साथ जो तुर्की है उसके पास उसने TB3 ड्रोन तक बना लिए हैं, लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं है, भारत ने भी ये चीज़ बना ली है और बहुत जल्द आप इन्हें देखेंगे कि भारत भी इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। चौथी खबर एक और बहुत बेहतरीन है, बेंगलुरु की एक कंपनी जिसका नाम है, इस कंपनी का नाम जस्ट सेकंड, निवेति सिस्टम, इस कंपनी का नाम है निवेति सिस्टम। इसने कल इंडिया का फास्टेस्ट राउटर पेश किया है। इस राउटर की स्पीड है 2.4 TBPS, एक सेकंड में 2.4 TB डाटा, यानी कि मूवीज अगर हम बात करें, मैक्सिमम हम अगर हम HD की बात करें, HD मूवीज़ की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे मैक्सिमम 2 से 2.5 GB की होती है, तो विद इन ए सेकेंड आप क्लिक करके हटे नहीं तब तक वो डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आएगा इस राउटर के आ जाने से, इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आएगा। तो भारत के वैज्ञानिकों के लिए, भारत की सेना के लिए, भारत के हथियारों के लिए और भारत के स्टार्टअप्स के लिए जो कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ भारत के हर नागरिक के लिए, आपके अपने चैनल भारत को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।